नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर, जहां बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। आज से बीजेपी का ग्राम चौपाल अभियान शुरू होगा। आज से 18 मार्च तक ये पार्टी का अभियान चलने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह चौपाल में शामिल होंगे, तो गंगागंज चौराहा, गोसाईगंज, लखनऊ में ये चौपाल का आयोजन होगा। तो पंचायत चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं और जगह जगह चौपाल होंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौपाल में शामिल होंगे। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पंचायत चुनाव को लेकर काफी ज्यादा तैयारियों में आगे हैं। तो बता दें, बीजेपी की तैयारियों को लेकर ये खबर लखनऊ से। आज से बीजेपी का ग्राम चौपाल अभियान शुरू हो रहा है और तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। आज से शुरू होगा ये बीजेपी का ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ये चौपाल का अभियान। तो इसके जरिए लोगों तक हर जानकारी पहुंचाई जाएगी, लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि किसानों से जुड़ी वो बातें जो उनके फायदे के लिए वो उनको बताई जाएंगी। आज से 18 मार्च तक पार्टी का ये अभियान चलने वाला है। और खबर लखनऊ से ही, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल बदलने का आदेश दिया गया। बता दें, धनंजय सिंह को नैनी जेल से फतेहगढ़ भेजा जाएगा। धनंजय सिंह को आज फतेहगढ़ जेल भेजा जा रहा है। तो धनंजय सिंह पर अजीत सिंह हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप है। बता दें, जिस तरीके से धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, धनंजय सिंह फरार चल रहा था, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिसके बाद 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। और जब सरकार ने सख्ती की, प्रशासन की तरफ से सख्त रवैया अपनाया गया, तो धनंजय सिंह ने कोर्ट में जाकर सरेंडर किया है। उसके बाद रिमांड पर भेजा गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अब जेल बदलने का आदेश दिया गया है। बता दें, नैनी जेल से फतेहगढ़ भेजा जाएगा और आज ही भेजा जा रहा है फतेहगढ़ जेल धनंजय सिंह को। अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी है धनंजय सिंह। तो धनंजय सिंह को नैनी जेल से फतेहगढ़ भेजा जा रहा है, आज ही जेल से ट्रांसफर किया जा रहा है। बता दें, पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दूसरी जेल में ट्रांसफर किया गया। और बागपत से खबर, जहां पंचायत चुनावों में वोटरों को लुभाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ने महिला डांस प्रोग्राम का आयोजन कराया। वार्ड 18 से प्रत्याशी के बैनर तले महिला डांसरों का डांस वीडियो वायरल हुआ है। इसका बता दें, प्रत्याशी ने बिना परमिशन साधन सहकारी समिति परिसर में ये कार्यक्रम कराया। तस्वीरें दिखा रहा है इस वक्त आपको। बागपत के मुकारी गाँव में इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया और देखिए जरा उस कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। वार्ड 18 से प्रत्याशी के बैनर तले महिला डांसरों का डांस कराया गया और ये डांस का वीडियो वायरल हुआ है। बिना परमिशन के इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। तो पंचायत चुनाव से पहले ही वोटरों को लुभाने के लिए किस तरीके की कोशिशें की जा रही है, ये आप इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगा सकते हैं। एक ओर तो एक सीधा तरीका होता है और दूसरी ओर ये बिना परमिशन के इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां बैनर तले महिला डांसरों का डांस दिखाया जाता है ताकि जो मतदाता है उनको लुभाया जा सके। और खबर नोएडा से, मूर्तिकार पद्मभूषण राम सुतार के घर लाखों की चोरी हुई है। घरेलू नौकर 26 लाख कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हुआ। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए 3 दिन पहले ही आया था नौकर, तो आरोपी ने अलमारी का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तलाश में जुट गई है। मूर्तिकार अनिल सुतार अपनी पत्नी के साथ मुंबई गए हुए थे। नोएडा सेक्टर 20 कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 19 का ये मामला बताया जा रहा है। घरेलू नौकर 26 लाख कैश और ज्वेलरी लेकर
फरार। बता दे 3 दिन पहले ही आया था ये नौकर। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए 3 दिन पहले ये नौकर आया था। आरोपी ने अलमारी का ताला तोड़ा, उसके बाद लाखों की चोरी की। देखिए सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में सेक्टर 19 है, यहाँ पर श्री राम सुतार जी का मकान है जो फेमस हमारे स्कल्प्टर हैं, और इनके घर में एक नौकर पिछले 4 दिन पहले आया था। इनफैक्ट एक नौकर बहुत दिनों से यहाँ पे काम कर रहा था, वो अभी छुट्टी पर गया है। उसके बदले दिल्ली के एक प्लेसमेंट एजेंसी ने इस लड़के को यहाँ पर भेजा था और ये 5 दिन से यहाँ अभी इस घर में काम कर रहा था। आज घर के सभी लोग कहीं कुछ सामान खरीदने गए थे, जो लोग घर में थे उनके एब्सेंस में इसने यहाँ कुछ रुपये पैसे और कुछ वैल्यूएबल्स लेकर के फरार हो गया है। इसमें हम लोगों ने अभी आकर के सब कुछ देखा है, FIR ले ली है इनसे और मुकदमा पंजीकृत करके हमने 2-3 टीम लगाई है और ये टीम लगातार हम उसके पीछे लगे हुए हैं, उसको चेज करके उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे, इसे वर्कआउट करेंगे। देखिए हापुड़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखा जा रहा है। बता दें बाइक सवार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार के बल पर बदमाशों ने 90,000 रुपए लूट लिए। लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार भी हो गया। बता दें बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की और वहां से फरार हो गए बदमाश। तो हथियार के बल पर बदमाशों ने 90,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हापुड़ से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक ये बदमाश फरार चल रहे हैं। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मैं आ रहा था अपनी जो भारत फाइनेंस का एम्प्लॉई हूँ, मैं किस्त लेके आ रहा था पोटा से। वो मेरे पीछे, मैं बागवाला से पहले मेरी मीटिंग बागवाला में ही, बागवाला से मीटिंग करके निकल कर आ रहा था। जो जिम यहाँ जो है ना, जो बाग सफर था हम का, यहाँ पर मुझे 2 बार टकराए आगे पीछे हुए। मैंने सही वैसे लड़के तो 3 लड़के थे, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थे, ब्लैक कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी उनकी। तो मैं यहाँ पे आके फिर अपनी किस्त ली, मैंने यहाँ पे पोटा में प्याग पाया किस्त लेके वहाँ से निकल के आ रहा था। तो वो एक लड़का दिखा जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी ना चला था, वो ही दिखा था मोटरसाइकिल लेके खड़ा हुआ। उसने मुझे देख के गाड़ी इधर की साइड में ली, दो लड़के लेकर के आए, दोनों के हाथों में हथियार थे। उन्हें आगे रोके नहीं, गोली मार दे। मैंने भैया गोली फोली मत मारो, मैं जो लेना जो ले लो, पर भैया गोली मत मारो। उसने बैग छुड़ाया मेरे जिम्मे पर्स से और मेरा फोन निकाल के, जब जा रहे थे एक लड़का उतर के आया, अरे रुके गोली मार देने। मैंने भैया गोली मत मारो, ये भाई जानते, मैंने भाई गया, मैंने मोटरसाइकिल छोड़ी, मेरी मोटरसाइकिल चाबी निकाल ले गए, मैं सीधा उधर की तरफ भाग गया। और फरुखाबाद में बेखौफ दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। घर में घुसकर महिला को लाठी डंडों से पीटा है। मारपीट से महिला सहित 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आपको बता दें मामूली विवाद था, जिसको लेकर महिला ने दबंगों से शिकायत की थी। तो जहानगंज थाना क्षेत्र के बंथल शाहपुर का ये मामला है, जहां घर में घुसकर महिला पर हमला किया है। महिला सहित 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। मामूली विवाद में महिला ने दबंगों से शिकायत की थी। फरुखाबाद से इस वक्त की यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मारपीट से महिला सहित 2 लोग घायल हुए हैं और दोनों ही घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। मामूली विवाद था, जिसमें महिला ने दबंगों से शिकायत की और नतीजा ये हुआ कि मारपीट हो गई। बेखौफ दबंगों के हौसले देखिए कि घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की है। और प्रयागराज से खबर, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 4 महीने की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मां की हालत गंभीर बनी हुई है। तो सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो प्रयागराज से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्ची की मां की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और बच्चे की मौत हो चुकी है।
और वहीं गोरखपुर में बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए कि जिला पंचायत प्रत्याशी रितेश मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी है। रितेश के परिजनों ने आरोप लगाया है। चुनावी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। वार्ड संख्या 51 चुनाव लड़ रहे थे रितेश। एसपी साउथ ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया है। गोरखपुर से इस वक्त की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जिला पंचायत प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनावी रंजिश के चलते ये हत्या की गई है। फिलहाल टीमों का गठन कर दिया गया है गिरफ्तारी के लिए। तो रितेश के परिजनों ने आरोप लगाया है बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी है। तो चुनावी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है ऐसा परिजनों ने कहा। सूचना मिली है शाम को 9:30 के आसपास की घटना बताई जा रही है। गगा चौराहे पर थाना गगा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति है रितेश मौर्य जी, इनको गोली मारी गई है और जिला अस्पताल लाया गया उनको और उनको यहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। टीमें लगी हुई है, क्राइम ब्रांच सर्विलांस और एसपी साउथ के नेतृत्व में टीम बनाई है और तत्काल टीमें बना करके और अभियुक्तों की अरेस्टिंग करने के लिए और जिन्होंने भी बदमाशी करी है उनको विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई है। तत्काल प्रभाव से इनको वर्कआउट करके और इसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। मेरे भाई 2015 से ही गगा की राजनीति में सक्रिय थे, चुनाव लड़े वहाँ से सामान्य सीट पर। काफ़ी बाहुबलियों का इलाका है, काफ़ी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। इस समय भी अपराध कई अपराधी छूट के गए हैं बिल पे। वहाँ पर गगा में सामान्य सीट पे चुनाव अगली बार भी लड़े थे, काफ़ी कम अंतर से हार गए थे। इस बार भी लड़ रहे थे, सामान्य सीट था। परसीमन आने के बाद सीट पिछड़ी हो गई, लेकिन लोगों का आँखों की किरकिरी थे तो षड्यंत्र किसी ने रच के ऐसा कायराना हरकत किया होगा। मेरी बात खबरों में आगे बढ़ेंगे तो देहरादून से खबर, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत के आवास पर समर्थकों की भीड़ देखी गई। बता दें सीएम ने सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, सभी लोगों के साथ मिलकर फोटो सेशन भी कराया। तो सीएम तीरथ सिंह ने लोगों से अपील की कुंभ स्नान में कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत के आवास पर सुबह से समर्थकों की भीड़ लगी रही। सीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया, उन्होंने सभी लोगों के साथ मिलकर फोटो सेशन भी किया और उसके बाद हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। सीएम ने अपील की है कि कुंभ के स्नान में आए लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। बता दें बीते कल ही तीरथ सिंह रावत सीएम पद पर काबिज हुए और बीते कल ही उन्होंने शपथ ली, तो अगले एक साल तक सीएम की कुर्सी को संभालेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड के नए सीएम। और आते ही उन्होंने अपना काम भी संभालना शुरू कर दिया है। पूरी तरह से हमने कल ब्रीफिंग की थी, बैठक की थी, आज मैं आपके माध्यम से महाशिवरात्रि का और कुंभ के लिए आम जनता को बधाई और धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो शाही स्नान है उसके स्वागत के लिए मैं आज जा रहा हूँ, सभी अखाड़ा परिषदों का स्वागत करने जा रहा हूँ। हमने आज व्यवस्था की है कि पूरी तरह हेलीकॉप्टर से उनका स्वागत और अभिनंदन और फूलों की वर्षा हो। साथ में जो लोग स्नान करना आना चाहते हैं उनके लिए खुली छूट है, कोई पाबंदी नहीं है। इतना जरूर है कि जो कोविड है उसके नियमों का पालन करें, लेकिन कोई रोक नहीं है, ये मैंने आदेश दिया है। नमस्कार। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत ने शपथ लेने के बाद काम शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक उनकी कैबिनेट तय नहीं हुई है। कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, कौन कौन नहीं, इसे लेकर अभी भी कयासों के बाजार गर्म हैं। इसे लेकर प्रदेश के निवर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज अधिकृत बयान हमारे मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है कि बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाएगा और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो काम किया हमारी सरकार ने, उन कामों को हम लेकर जनता के भी बीच भी जाएंगे। और अभी हमारी चुनौती है कि हमको 3 चुनाव लड़ने हैं। पहला चुनाव हमने सल्ट का लड़ना है, फिर लोकसभा पौड़ी का लड़ना है और फिर विधानसभा जो है हमारे मुख्यमंत्री जी को जहाँ से भी हम लड़ाएंगे वहाँ का चुनाव लड़ना है और फिर आम चुनाव में हमको जाना है।
मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और हम एक अच्छे अंतराल से चुनाव। सर, एक साल से कम का वक्त बचा है चुनाव के लिए, तो आपको चुनाव में जाना है, सबका प्रतिनिधित्व भी जरूरी है, सबको खुश करना भी जरूरी है, और बीच में जो मतभेद बने थे उनको भी उससे पार्टी को भी। देखिए, पार्टी में कोई मतभेद नहीं, धीरज जी का सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बने हैं और वो बहुत हमारे कद्दावर नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और मैं कह सकता हूँ कि उनके नाम पे किसी को कोई ऐतराज नहीं। क्या मंत्रालयों को लेकर कोई खींचतान है, इसीलिए कल मंत्री? देखिए, कल किसी भी पार्टी का एक सिस्टम है और हमने तय कर दिया है कि हम बहुत जल्दी जो है मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने खुद ही बयान दे दिया है। मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने तो 25 दिन तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए थे, हमने देखे एक झटके में, एक मिनट में मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, एक झटके में हमने मुख्यमंत्री बना दिया। तुरंत आपको खबर मिल जाएगी कि मंत्रिमंडल का गठन कब होना है। तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार में कोई समस्या कहीं से नहीं। पुराने मंत्री वापस होंगे? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए, देहरादून में बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अपनी सीट से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। उनका कहना है कि तीरथ सिंह रावत हमारे क्षेत्र से सांसद भी हैं और मैं चाहता हूं कि बद्रीनाथ से वो विधायक बने, ये हमारा सौभाग्य होगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मेरा अपना कोई लालच नहीं है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री मेरी विधानसभा से चुनाव लड़े और मैं सीट छोड़ने को तैयार हूँ। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव कहां से लड़ेंगे इस पर अभी कयास लग रहा है, लेकिन विधायकों ने ऑफर करना शुरू कर दिया है। बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट इस वक्त हमारे साथ। सर, आपने ऑफर किया है कि मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र चुनाव लड़े? देखिए, तीरथ जी मेरे क्षेत्र के सांसद हैं और मेरा सबसे सीमांत क्षेत्र है, तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है और मैं उस क्षेत्र का विकास चाहता हूँ। और मैं आज मुख्यमंत्री घर पर आकर मैंने उनसे आग्रह किया है कि बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव लड़ें जिससे मेरे क्षेत्र का विकास हो। ये व्यक्तिगत रूप से मुझसे आग्रह करने आया हूँ कि बद्रीनाथ विधानसभा से हम उनको अपना प्रतिनिधि चाहते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए तीरथ बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव लड़े। तो सर, बदले में कुछ चाहते हैं? देखिए भैया, मैं आज का कार्यकर्ता थोड़े नहीं हूँ, हम किसी को चाहने से हमारा कुछ नहीं होता है। जो केंद्र नेतृत्व निर्णय करता है उसका पक्ष है। मेरा व्यक्तिगत मत था कि तीरथ जी के साथ विद्यार्थी परिषद हमने बाल्यकाल से काम किया है, आज मुख्यमंत्री हो गए, मेरी इच्छा है। अच्छा, आपको लगता है कि कितनी बड़ी बात है तीरथ सिंह रावत एक कार्यकर्ता से उठकर के आज मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक नए तरीके का जोश होगा कि एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है? निश्चित, बूथ तक का कार्यकर्ता तीरथ जी को जानता है। तीरथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे और विद्यार्थी परिषद पूर्णकालिक कार्यकर्ता होने के नाते पूरे प्रदेश में घूमे, इसलिए हर बूथ का कार्यकर्ता जानता है। कार्यकर्ता में जो कहीं मत विभिन्नता दिखाई दे रही थी, कुछ मतभेद थे, वो खत्म? कोई मतभेद नहीं थे। मोदी जो निर्णय करते हैं वो देश के हित में करते हैं, प्रदेश के हित में करते हैं और वही निर्णय आ जाए और सबको खुशी है। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब बद्रीनाथ के विधायक ने भी ऑफर किया है कि मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़े और अब कार्यकर्ताओं में किसी भी तरह का कोई मतभेद। हरिद्वार में कुंभ मेले के पहले शाही स्नान के मौके पर उत्तराखंड के नवनियुक्त सीएम तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। बता दें कि हर की पैड़ी पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार पहुंचे, उन्होंने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा स्नान किया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार और उन्होंने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा किए हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज ये आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार और बता दें बीते कल ही उन्होंने सीएम पद की शपथ ली और सीएम पद पर काबिज होते ही उन्होंने अपना काम संभालना शुरू कर दिया है। तो पुष्प वर्षा करते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत और तमाम साधु संत इस वक्त मौजूद, भारी संख्या में यहां लोग भी मौजूद हैं तो भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। बता दें सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि सभी काम होंगे लेकिन जो शाही स्नान हो रहा है, गंगा स्नान हो रहा है, उसको देखते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। तो ये पुष्प वर्षा जो की जा रही है सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से, वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त न्यूज वन इंडिया की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हर की पैड़ी में सीएम ने गंगा स्नान भी किया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त
सीधा हरिद्वार से सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। उन्होंने जैसा कि कहा कि स्नान के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी होगा और सभी काम होंगे, लेकिन कोरोना के जो नियम है उनका पालन करते हुए। देखिए आज साई स्नान भी है, महाशिवरात्रि भी है। इस अवसर में मैं जनता को शुभकामनाएं देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं। और आज का जो साई स्नान है उसके लिए हमने भव्य दिव्य तैयारी और स्वागत हेलीकॉप्टर बरसा, स्वयं मैंने भी फूलों से बरसा, ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं हुआ है और इसलिए मैंने ये कहा कि इनका स्वागत अभिनंदन, साथ में आने वाली जनता का भी स्वागत और अभिनंदन, उन सबको आने दिया जाए, कोई रोक टोक ना हो। लेकिन हाँ, जो नियम है उन गाइडलाइनों का पालन करें, लेकिन कोई शक्ताई ना हो, सबको स्नान करने का मौका मिले, ये मैंने इस अवसर पर का भी आशीर्वाद आपने लिया है। संतों का आशीर्वाद लगातार मिला है और अभी भी मुझे मिलता है। संतों और संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुमित, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम तीरथ सिंह ने आते ही कमान संभाली और पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो तस्वीरें क्या कह रही हैं? सही बात है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते ही सर्वप्रथम हरिद्वार में पहुंचे। हरिद्वार में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो आज पहला शाही स्नान था। जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहां पर पहुंचे तो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकल रही थी, जो शाही स्नान के लिए हर की पौड़ी पहुंचे थे, उसके ऊपर उन्होंने पुष्प वर्षा की भी की और फिर वहां पर हर की पौड़ी पर भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने चुनरी उड़ाई और साधी संतों का आशीर्वाद भी लिया और कहीं साफ तौर पर दिशा निर्देश भी दिए कि जो कुंभ है भव्य होगा, दिव्य होगा, किसी भी लोगों को आने से न रोका जाए। हालांकि बात यह कि कोविड के जो नियम है उनका पालन करा जाए बाकी, लेकिन किसी को किसी तरह से बेवजह न रोका जाए यहाँ पे इन लोगों को आने को लेकर, क्योंकि लोगों का आज यहाँ पर उत्साह भी अलग ही देखने का था, क्योंकि हरिद्वार का तमाम जो लोग हैं वो अपनी छतों पे से जो आज दिव्य जो भव्य नजारा आज देखने को मिला, क्योंकि सारा माहौल सीमय हो चुका था, क्योंकि जो पेशवाई का जो दौर चला, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पर जूना अखाड़े अग्नि अखाड़ा और आह्वान अखाड़ा और किन्नर अखाड़े के जो पेशवाई के तौर पर यहाँ पर निकले और उनके जो आचार्य महामंडलेश्वर थे वो कमांड संभाली हुई थी, वो उनको पेशवाई को निकाल कर लेके जा रहे थे। सभी साधु संत के महंत महामंडलेश्वर सब पैदल यात्रा करते हुए हर बिल्कुल साधु संतों की तरफ से यहाँ पे एक जो एक अलग ही अनुभूति दिखाई दी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कि जब मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद सीधा हरिद्वार रुख करते हैं और कुंभ पर फोकस करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो निर्णय भी लिया था तो कुंभ पर जो पुष्प जो पेशवाई है उन पर पुष्प वर्षा की बात कही थी, तो वो ऑर्डर दिया गया था, तो उसको लेकर भी साधु संतों में एक बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। उनको साफ तौर पर अब लिखा, उनको उम्मीदें जग रही है कि अब कुंभ में कोई भी किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस पर निगाह बनाए हुए हैं। आते ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।